कुछ ऐसा कर कमाल, हो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, हो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, कि तेरा हो जाऊं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आशीष गाड़े एंटरटेनमेंट। रिक्वेस्ट कल ही आई है और मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि गाना बहुत ज्यादा फ्रेश है, तो फ्रेश गाना अपलोड करने में ज्यादा मजा आएगा। ऐ दिल है मुश्किल का मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो करने वाला हूँ, वो अभी आने वाला था लेकिन ये गाना पहले कर देते अपलोड, उसके बाद वो आ ही जाएगा। सो गाना बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, बी प्राक सर जी का है तो इंटेंस गाना तो आना ही चाहिए। बी प्राक और जानी ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो कुछ इंटेंस ही करते हैं, कुछ सीधा साधा रखते ही नहीं है। वो प्यार वाला हो, वो ब्रेकअप वाला हो या पेट्रियोटिज्म वाला हो, कोई भी गाना हो तो उसको इंटेंस ही रखते हैं। बट ये जो हमें आज रिक्वेस्ट आई है वो बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के, इसके लिए मैं ये वीडियो पहले कर रहा हूँ। और इसके पीछे का रीजन एक है, उन्होंने कहा है, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैं नाम भूल गया, सो सॉरी, बट उन्होंने कहा है कि आप पियानो ट्यूटोरियल तो कर ही दो, बट आप जो गाने इन्फ्लुएंस्ड गाने बताते हो, कॉपी लिखा है उन्होंने, बट मैं इन्फ्लुएंस कहूंगा गाइस क्योंकि कॉपी मुझे बहुत गलत वर्ड लगता है, तो मैं वो सिमिलर कहता हूँ या फिर इन्फ्लुएंस कहता हूँ। सो उनको वो जान लेना है कि ये गाना कौन से गाने जैसा सिमिलर है, तो गाना बजाते वक्त मुझे भी बहुत सारे गानों जैसा सिमिलर लगा। बट यार सात ही सुर है हमारे पास, छह सुर है हमारे पास, उसके माइनर पकड़ के 12 सुर, 12 सुरों में ही गाना बनाना है, तो हर गाना 12 सुरों में ही बनता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं बनता। तो इसीलिए गाने हमें सिमिलर लगते हैं कहीं ना कहीं, कहीं जगह हम कह सकते हैं कॉपी डायरेक्ट लगता है, कहीं जगह हमें इन्फ्लुएंस लगता है, कहीं जगह सिमिलर लगता है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास 12 ही सुर है यार, 12 नोट्स है, उसमें ही गाना बनाना है, तो इसीलिए आपको लगता है। सो ये गाना भी कौन से गाने जैसा है वो मैं आपको बताता हूँ, गाना बजाते बजाते एक गाने जैसा लगा मुझे, वो बताता हूँ मैं आपको। आपको समझ में आया ये कौन सा गाना था? तो ये बहुत सिमिलर लगता है, अक्षय कुमार जी का ही और एक गाना है, तो वो गाना है सपना जहां, उसके जैसा। देखा वहां पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटकता हुआ सा एक बादल हूं, जो तेरे आसमां में आके ठहरा है। वो भी गाना सी माइनर में है, ये भी गाना सी माइनर में है, तो इन्फ्लुएंस लगता है, सिमिलर लगता है, बट कॉपी नहीं कहूंगा। तो ये एक गाना, और एक गाना मुझे लगा, आई थिंक वो ओरिजिनल गाना मेजर है बट यहाँ पर वो माइनर में बहुत सिमिलर लगता है, तो ये ऐसा कुछ होता है। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। इसके जैसा थोड़ा सा लगता है मुझे, और एक गाने का इन्फ्लुएंस है, अभी का एक गाना है उसमें थोड़ा सा मुझे इन्फ्लुएंस लगता है ये गाने में, तो ये वो है। ओ, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, मैं तेरी फोटो 100-100 बार कुड़े के उठ दे तू वंजीने बिच, 100-100 बार कुड़े। ओ, ये जो जगह है वो वहां पर सेम लगती है, तो कभी कभी फोटो जैसा भी लगता है गाना। तो गाइज ये हुए अभी के गाने, बट ये जो फिलहाल गाना है, फिलहाल ये गाना हमें 90s की याद बहुत दिलाता है, 90s के गाने जैसा लगता है, जैसे हो कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं, के तेरा हो जाऊं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। ये गाने जैसा मुझे थोड़ा सा लगता है, बहुत नहीं कहूंगा मैं,
कॉपी नहीं कहूंगा, इन्फ्लुएंस नहीं कहूंगा, सिमिलर थोड़ा सा लगता है। तो 90s का गाने का टच आता है इसमें, और आपको कौन सा सिमिलर लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये गाना। या फिर अगर आपको नहीं लगता कि ये तीनों गानों में से कोई भी गाने जैसा नहीं है या फिर 90s का फ्लेवर भी नहीं है तो वो भी बताना। आपकी जो राय हो, जो डिस्कशन आपको करना चाहते हो वो मेरे कमेंट सेक्शन में भर के रखो, हम उसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे गाइज हर बार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नाम के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके अगर आपका फोटो भेज देंगे तो वो पूरा फोटो दिखा के मैं हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। तो ये था अभी तक जो आपको इन्फ्लुएंस वाले जो गाने आपको सुनने थे वो वाले ये थे। अभी हम पियानो ट्यूटोरियल को शुरू करेंगे, मैं 4 कॉर्ड में आपको गाना सिखा दूंगा। इजी गाना वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, बट जो बिगिनर है उनके लिए थोड़ा मुश्किल तो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत नोट्स आते रहते हैं। एक लाइन में नोट्स नहीं जाते, डायरेक्टली ऊपर नीचे। बी प्राक का गाना है तो हाईएस्ट नोट पे भी जाता है, लोएस्ट नोट पे भी आता है, तो ये होता रहेगा। सो पियानो ट्यूटोरियल डायरेक्टली शुरू करेंगे हम। कॉर्ड्स एक बार देखते हैं, सी माइनर जैसे मैंने बताया, ए शार्प मेजर, जी शार्प मेजर और जी मेजर, ये 4 कॉर्ड में पूरा गाना हम सीखने वाले हैं। सो शुरू करते हैं आज का गाना फिलहाल। सो गाइज ये हो गया अपना कैमरा एंगल चेंज। मैंने कहा सी माइनर में गाना है, सो सी माइनर का फॉर्मूला 3-4, माइनर का फॉर्मूला 3-4, सो सी पकड़ लिया, उसके बाद 1-2-3, उसके बाद 4, मतलब 1-2-3-4, तो ये हो गया हमारा सी माइनर। ओके, सो 4 कॉर्ड जो मैंने कहा, सी माइनर, ए शार्प मेजर, जी शार्प मेजर और जी माइनर, ये 4 कॉर्ड में पूरा गाना सेट है। तो ओपनिंग जो होती है वो कुछ ऐसी है। सो राइट हैंड देखते हैं इसका, पहले शुरू होता है जी से, सेम रिपीट, सेम रिपीट होता है 4 बार, बट एक चेंज है, हर बार एक चेंज मैं दिखाता हूं आपको। ना 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 ना, तो डायरेक्ट ऊपर से आता है तो ये, सेम है। तो इसमें हमने यूज किए कॉर्ड है सी माइनर, पहले होगा, ए शार्प मेजर, समझ रहे आपको, तो मैंने ये एक सिर्फ जी शार्प मेजर जो है वो यूज नहीं किया तो भी चलेगा। सो थर्ड बार चेंज हुआ, तो ये सेम रिपीट आप बजा सकते हो 2 बार, सी माइनर, ए शार्प मेजर, ए शार्प मेजर। तो ये हो गया हमारा इंट्रो के लिए मेन ट्यून खत्म। अभी आगे जाते हैं, यहां से लिरिक्स वाला पोर्शन शुरू होता है। सो गाइज अपना गाना शुरू होता है सी से, डायरेक्ट ऊपर है गाना, बहुत गाया है, बी प्राक का आवाज तो मतलब ऊपर ही होने वाला है। हो कुछ ऐसा कर कमाल, हो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, समझ में आ गया, हो कुछ ऐसा कर कमाल, नीचे आता है फिर से के तेरा हो जाऊं, यहां से हमारी मेन ट्यून चालू होती है, मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं, के तेरा हो जाऊं, सी पे खत्म होता है। तो मेन ट्यून कैसी है देखो, मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं, के तेरा हो जाऊं, सिंपल रख रहा हूं गाइस, आप इंप्रोवाइज कुछ भी कर सकते हो, के तेरा हो जाऊं,
के तेरा हो जाऊं। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे। एक बार आप मेन ट्यून सीख लोगे तो आपको इम्प्रोवाइज जैसे करना है आप आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा मुखड़े वाला पोर्शन, इसका लेफ्ट हाथ देखते हैं। मैं गा के ही आपको सुनाता हूँ, बजाने से अच्छा। तो पहले सी माइनर ही है, हो कुछ ऐसा कर कमाल। दो बार सी माइनर, हो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं किसी और का हूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं, के तेरा हो जाऊं। तो सी माइनर, ए शार्प मेजर, जी शार्प मेजर, ए शार्प मेजर, सी माइनर, ये तीन ही कॉर्ड में पहले हमने हमारा जो मुखड़ा वाला पोर्शन है वो हो जाता है। तो अभी आगे वाला पोर्शन चालू होता है। तो ये कैसा है देखते हैं, जो ऊपर के जी से शुरू होता है, तो समझ में आया? ए गलते गलत ए जो भी कर रे आ जानी, पर ए भी देख तेरे बिन किंजे मर रे आ जानी। इजी है, इसके आगे हमारा मैं किसी और का हूं फिलहाल, ये शुरू होता है फिर से जो हमने देख लिया पहले ही। इसका लेफ्ट हाथ अभी देखते हैं। तो ये तीन ही कॉर्ड में है। तो इसका लेफ्ट हाथ देखते हैं, सी माइनर से ही ओपन होता है, चार बार सी माइनर। ए गलते गलत वे जो भी कर रे आ जानी, तो चार बार सी माइनर, चार बार ए शार्प मेजर, फिर ए शार्प मेजर से ही ओपन होता है। पर ए भी देख तेरे बिन किंजे मर रे आ जानी, मतलब ये लाइन के लिए फिर से चार बार ए शार्प मेजर, दो बार जी शार्प मेजर और सी माइनर फिर से हमारा चार बार, मतलब पर ए भी देख तेरे बिन किंजे मर रे आ जानी। थोड़ा यहाँ वहां देख के मैं कर रहा हूँ, लिरिक्स देख के थोड़ा कर रहा हूँ तो गलत हो रहा है। तो ये हमने देख लिया सी माइनर चार बार, ए शार्प मेजर चार बार, उसके बाद फिर से ए शार्प मेजर चार बार, और उसके बाद जी शार्प मेजर दो बार, और फिर सी माइनर। ये हमारा हो गया आगे वाला सेक्शन। अभी इसके बाद जो शुरू होता है वो वही है। तो ये तो हमें पता है, एग्जैक्टली हमने देख लिया है। अभी इसके आगे शुरू होता है। मैनू पता कि दुनिया नू ए गवारा हो नहीं सकदा, मैनू पता कि दुनिया नू ए गवारा नहीं हो सकदा। ये समझ में आया? उसके आगे तो सेम जैसे ऊपर था वैसे ही है। अभी आगे जाते हैं, तो अभी आगे जाता है, बहुत ही हाईएस्ट स्केल है ये, मतलब जहां पर ह्यूमन वॉइस जा ही नहीं सकता वहां पर बी प्राक का आवाज जा रहा है। तो ये होता है उन रोना नहीं पच तोड़ना मैं के चन्नी हो या चकोरदा। समझ में आया? राइट हाथ दिखाता हूं, इजी है। उन रोना नहीं पच तो ना नहीं के चन्नी हो या चकोरदा। और आगे भी सेम है। तो यहां पर कॉर्ड कैसे है देखो, कॉर्ड में यहां पर एक बार सिर्फ ये जी माइनर जो मैंने कहा है वो यूज होता है, वो है। मैं
तो यही था गाना गाइज, यही मैंने लेफ्ट और राइट हाथ दोनों दिखा दिया और जितना इजी हो सके उतना इजी करने की मैंने कोशिश किया। आई होप गाइज मैंने जो कुछ सिखाने की कोशिश की है वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, हिट द बेल आइकन, और जो जो नोटिफिकेशन आते रहेंगे वो प्लीज देखना, वीडियोस देखना, कम्युनिटी पोस्ट में डालते रहता हूँ वो, अगर पसंद आए तो लाइक करते रहना, दोस्तों को भेजते रहना यार वीडियोस, क्योंकि मैं इजी सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं गिटार भी सिखा रहा हूँ और गिटार के भी जो फंडे होते हैं जो मैंने सीखा है, जो खुद ही से सीखता हुआ आ रहा हूँ, वो सब मैं आपको बताते रहता हूँ। मैंने कहीं पे भी कोचिंग नहीं लिया है गाइस, मैं क्लासेस नहीं गया हूँ, कोई मेरा गुरु नहीं है। मेरा अगर कोई गुरु है तो सिर्फ यूट्यूब गुरु है, यूट्यूब और इंटरनेट से ही मैं सीखते आया हूँ, तो वो सब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको मेरी जर्नी बता रहा हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, आपको म्यूजिकल नॉलेज बहुत मिलने वाला है, और जो नॉलेज मैंने कहीं पे जाके नहीं सीखा है, सेल्फ एक्सपीरियंस है, तो वो अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग एस सेम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।